हर हर महादेव। देखिए उत्तराखंड से रामलाल यादव जी हैं, इन्होंने प्रश्न किया है कि क्या भगवान शिव को भांग अथवा अन्य किसी मादक पदार्थ का भोग लगाने का शास्त्रीय विधान है। माने आजकल लोग भगवान शंकर पर भांग चढ़ाते हैं, गांजा कोई सुट्टा लगाते हैं, तब भी वो भगवान शंकर की कृपा से हैं और भगवान शंकर ने जो है गांजा पिया है ऐसा कहते हैं, इसलिए हम उनकी बूटी को पी रहे हैं। वो लोग कई ये जो है बाबा जी लोग और ये जो सुट्टा लगाते रहते हैं उस समय भगवान शंकर को पुकारते हैं और लोगों को यही उपदेश करते हैं कि भगवान शंकर भी जो है गांजा पी करके मस्त रहते हैं, हम भी यही उनका कार्य कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो जैसा करते हैं वैसा हम कर रहे हैं। और भी कई मादक पदार्थ कुछ लोगों ने तो ऐसे भजन बना रखे हैं, तो क्या ये सब शास्त्रीय है? क्या भगवान शंकर वास्तव में मादक पदार्थों का सेवन करते हैं? भांग इत्यादि, धतूर, गांजा, भीम चरस और भी जो क्या क्या होते हैं, क्या भगवान शंकर को ये अर्पण करना चाहिए? देखिए इसका शास्त्रीय विधान कि कहीं भी शास्त्रीय विधान है ही नहीं तो शास्त्रीय विधान को कैसे बतलाया जाएगा। माने शास्त्र ने कहीं भी ये विधि नहीं की है कि भगवान शंकर पर भांग चढ़ाइए या किसी भी मादक पदार्थ को अर्पण करिए। हाँ धतूर का है, धतूर फल समर्पण करने के लिए है, किसी भी पद्धति में आपको जो है भांग का भोग लगाने के लिए नहीं लिखा हुआ है कि भांग को भोग लगाइए भगवान शंकर पर, है ना। किसी किसी पद्धति कारण है विजया स्नान जरूर लिखा हुआ है, माने भांग की पत्ती को घोंट करके बट करके और जल में मिला करके उससे शिवजी को स्नान करा देना चाहिए, इस रूप में लिखा हुआ है। और आचार्यों विद्वानों तथा गुरुजनों का ये कहना है कि भगवान शंकर इतने बड़े दयालु हैं कि यदि किसी को बिल्व पत्र न मिले तो धतूर पत्र, विजया पत्र माने भांग के पत्ते या किसी और ऐसे चीज के पत्ते जो कोई भी स्वीकार न करता हो, कोई भी पशु भी जिनको नहीं खाता हो, भांग के पत्तों को कोई पशु थोड़ी खाता है, धतूर के पत्तों को कोई पशु थोड़ी खाता है, तो ऐसे पत्तों को भी भगवान शंकर पर चढ़ा देने से वे प्रसन्न हो जाते हैं, ये उनकी दयालुता है। ये विधि नहीं है कि अब हम वही आकर के उनको दें, जे उनकी दयालुता है कि कुछ भी दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने भी गीता में ये कहा हुआ है पत्रम पुष्पम, वहां जी नहीं कहा है तुलसी पत्रम, बिल्लो पत्रम की द्रोण पत्रम, कोई भी नहीं, कोई भी पत्रम, कोई भी पत्ता आप हमको समर्पित करें पर भक्तिया भक्ति के साथ समर्पित करें तो तत् अहम अश्नामि, मैं उसे खाता हूं, स्वीकार करता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप तुलसी पत्ते को भी समर्पित न कर पाए तो उनको भगवान को भी भांग चढ़ाइए, क्योंकि भगवान ने तो गीता में कह दिया है कि कोई भी पत्ता मुझको चढ़ाइए और मैं उसको स्वीकार करूंगा और खाऊंगा अश्नामी। तो भाई हम तो हमको खूब भक्ति है और ये मान करके दत्तूर का पत्ता चढ़ा दीजिएगा, भांग का पत्ता चढ़ा दीजिएगा और तंबाकू का पत्ता चढ़ा दीजिए, तो ये विधि नहीं है। हाँ अगर किसी के पास में ऐसा है कि हम किसी न किसी पत्ते से भगवान का अर्चन करेंगे और उसको कुछ नहीं मिल रहा है और बहुत परेशान है कहीं कुछ नहीं मिला, तो भैया जो पत्ते मिले वही चढ़ा दे, पर ऐसा है कहाँ, हमारे यहाँ कितने वृक्ष हैं, कितने कितने यज्ञीय वृक्ष हैं, पीपल के पत्तों को चढ़ाने का विधान है, जो भी यज्ञीय वृक्ष पवित्र वृक्ष हैं, जो भी पुष्पवान पुष्पित होने वाले जो भी गुल्म लता तृण औषधि या वृक्ष हैं, तो अगर उनके पुष्प नहीं मिलते हैं या जिस काल में जिस समय में उस वृक्ष के पुष्प नहीं है तो उसके पत्तों को ही चढ़ा देना चाहिए, ये भी शास्त्र में विधान है। परंतु ऐसे नहीं है कि जो निषिद्ध पत्ते हों, जिस देवता के लिए जो निषिद्ध किए गए हों और जो मादक पदार्थ हों, जो दुर्गंधि युक्त हों, जो अशुद्ध स्थान पर प्रकट हुए हों,
जो अशुद्धा अवस्था में ग्रहण किए गए हों, जिनको किसी ऐसे व्यक्ति ने देख लिया गया हो, सुअर ने, कुत्ते ने, बिल्ली ने, कौए ने, इनकी दृष्टि से ही अशुद्ध हो जाता है, या किसी अपवित्र व्यक्ति के द्वारा छू लिए गए हों, तो उन पत्तों को, पुष्पों को नहीं चढ़ाना चाहिए, ये निषेध है। तो इसी दृष्टि से भगवान शंकर पर कहीं भी भांग का भोग लगाने के लिए नहीं लिखा हुआ है, न गांजा सुट्टा भगवान शंकर लगाते हैं, है ना। वो अगर जो करते हैं वो आप सूंघ लेंगे तब भी मर जाएंगे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, जो कालकूट विष था, वो जो समुद्र से प्रकट हुआ, उसकी गंध मात्र से लोगों की मृत्यु हो रही थी, गंध मात्र से, इतना तीव्र जहर। आजकल भी कुछ ऐसे जहर होते, किसी व्यक्ति को सूंघा दो तो वो बेहोश हो जाता है, और ज्यादा सूंघ जाए तो वो मर भी सकता है, मर भी जाता है। तो वो तो बड़ा समस्त जहर उससे प्रकट हुए, वो जो जहर था उसको भगवान शंकर ने इसलिए पिया कि संसार के कल्याण के लिए। गरल मसनम दिक पट धरा, वे भगवान शंकर उस जहर को पान कर गए, और जिनसे जिसके फलस्वरूप उनका कंठ नीला पड़ गया, आज तक नीला है, और उनका नाम नीलकंठ है। तो ऐसे भगवान शंकर को किसी नशेड़ी गंजेली समझना, ये सब अपराध हैं और ये अक्षम्य अपराध है। तो जो लोग ऐसा करते हैं वे लोग सावधान हो जाएं। कभी भी भगवान शंकर को ना ये कहना है कि वे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, और ना ही ऐसे मादक पदार्थों का भोग लगाना है, क्योंकि ऐसा आज तक किसी भी आचार्य ने, किसी भी सदगुरु ने, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है, ना ही कहा है, और ये शिष्टाचार भी नहीं है, अशिष्टाचार जरूर है। अशिष्ट लोग ऐसा कर रहे हैं, वे इसका दुष्परिणाम अवश्य भोगेंगे। हर हर महादेव।